नमस्कार, मूड ऑफ इंडिया 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट। यहां पर फाइट सबसे ज्यादा टफ है क्योंकि मैदान में है मौजूदा सांसद मनोज तिवारी, तो वहीं दिल्ली की सत्ता पर 15 साल राज कर चुकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, और वहीं उनके सामने है पूर्वांचली चेहरा आप पार्टी से दिलीप पांडे। तो यहां फाइट सबसे ज्यादा दिलचस्प दिख रही है, सबसे ज्यादा रोचक दिख रही है। ऐसे में इस बार सीलमपुर की जनता किसे वोट देती है, किसे अपना समर्थन देती है और किस आधार पर इस बार वो अपनी सरकार चुनने जा रही है, आइए बात करेंगे सीलमपुर की जनता से कि आखिर वो क्या सोचती है इस बार के चुनाव को लेकर, किस आधार पर अपनी सरकार चुनने वाली है। शुरुआत करते हैं सीलमपुर इलाके से, मूड ऑफ इंडिया 2019। तो हम यहाँ पहुंचे हैं सीलमपुर में, और ये जो एरिया है जिसमें हम अभी मौजूद हैं वो सीलमपुर सर्विस रोड के नाम से मशहूर है। यहाँ भी कई दुकानें हैं, कई शॉपकीपर्स हैं जो सालों से यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं। तो यहाँ ये लोग क्या सोचते हैं, दुकानदार क्या सोचते हैं, यहाँ काम करने वाला कारीगर क्या सोचता है इस बार के चुनाव को लेके, आइए बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और हो सकता है चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे हों। इस वक्त हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेके, आपके जो यहाँ से उम्मीदवार हैं यहाँ पर रोड शो भी कर रहे हैं, कितना इस बार का चुनाव क्या पिछले चुनावों से कुछ अलग दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मैम, हम तो ये चाहते हैं कि रोजगार बढ़े और जो भी पार्टी आए अच्छा काम करे, हम ये चाहते हैं। और हमारा कोई मकसद नहीं राजनीति से या किसी से, हम तो ये चाहते हैं बस रोजगार बढ़े और सब भाइयों का भला हो, सबका विकास सबके साथ, और जो भी पार्टी आए अच्छा काम करे। किस किस पार्टी से उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो बीजेपी से बहुत थी हमें, लेकिन क्योंकि अब बीजेपी पार्टी ने कोई अच्छा काम अभी हमें करके नहीं दिखाया, जहां देखो बेरोजगारी, जहां देखो सब ये सब क्या हो रहा है। हम ये चाहते हैं अब जो भी पार्टी आए सही चुने, हम पार्टी को सब लोग सही मिलके चुनेंगे और इंशाल्लाह आगे उम्मीद करते हैं कि जो पार्टी आए वो सही है। फिलहाल हम कांग्रेस के साथ हैं। जी आप क्या सोचते हैं अंकल इस बार के चुनाव को लेके? इस बार का चुनाव बीजेपी जो कर गई वो तो ठीक है, मगर अब जो है कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों? बीजेपी के किस काम से आप नाखुश हैं? बीजेपी के बहुत सारा ऐसा काम है जिससे नाखुश हैं, जैसे कि जीएसटी लगा दी, कारोबार बंद हो रहे हैं, कारोबार कम है, दुकानदारी कम है लोगों की। अच्छा। उसके बारे में चलिए और लोगों से बात करते हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? हम कुछ नहीं। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? बचपन से यहाँ रह रहे हैं। बचपन से? अच्छा, जन्म ही यहाँ हुआ है। तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी देख ली, बीजेपी की भी सरकार देख ली, आप सरकार दिल्ली में चली रही है, तो किससे सबसे ज्यादा आप आश्वस्त दिखे? आपसे। आपसे ऐसा क्यों? काम सही कर रही है आप। अच्छा, अगर आपके इलाके की बात करें तो उन्होंने क्या क्या किया आपके इलाके के लिए? काफी काम किया है। कैसे? काफी डेवलपमेंट, गलियां, रोड, सब कुछ है। सब कुछ है। तो इस बार आपको उम्मीद किससे है? आपसे। आपसे। आप क्या सोचते हैं जी इस बार चुनाव में किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी से। अच्छा, क्यों ऐसा? अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, आपके इलाके की विकास की बात करें तो दिखता है आपको विकास? बढ़िया, लाइट, पानी, स्कूल, अस्पताल, वो सब दिखता है। सब बढ़िया। आप क्या सोचते हैं? आप बताइए। तो कुछ भी इंसान सोचने में कुछ नहीं आता, कोई सी पार्टी आए हम ये चाहते हैं हमें रोजगार मिले, दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो बिल्कुल, चाहे वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, भ्रष्टाचार किसी में बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। बस इतना ही, हमें गरीबों का देखा जाए, उनका रोज रोजगार दिया जाए। गरीबों की सरकार बनने का तो हर पार्टी दावा कर रही है। दावा तो करती हो, ये दावा ही करती रहेंगी जब तक इलेक्शन रहेगा। इलेक्शन के बाद हर कोई सी पार्टी हो सभी गरीबों को भूल जाते हैं। अब इलेक्शन करीब आता है तो कोई अपने काम के वोट नहीं मांगता, वोट मांगना चालू कर देते हैं ये मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गौ माता के नाम पे। अरे वोट, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा कुछ नहीं होना चाहिए, मुद्दा सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने देश को बढ़ावा दें, अपने देश को आगे लेके जाएं। राष्ट्रवाद के नाम पर तो बीजेपी वोट मांग रही है। वो इसी नाम पे ही मांगती रहेंगी, इनके मांगने से तुम और राष्ट्रवाद में मांगते रहो। गरीब वोट वही चाहता है कि उसको रोजगार। जो कांग्रेस की जो न्याय योजना है 72,000 रुपए वो गरीबों को देने की बात कर रही है,
देखो जी, योजनाएं 72 या 75 हज़ार भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है, हर आदमी जानता है कि उनके खाते में 72 हज़ार तो क्या 72 पैसे नहीं आने हैं। वोट दे दोगे तो आपका बस इतना हो जाएगा कि आपका नाम नीचे लिस्ट में थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। तो फिर आपको उम्मीद किससे है? आप तो तीनों ही पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नाखुश, उम्मीद ये है कि कांग्रेस की राज में ये है कि गरीब आदमी को कम से कम रोजगार तो मिलता है। रोजगार नहीं छीनना चाहिए। आप क्या मत रखते हैं? कांग्रेस आना चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उसके राज में जो काम धाम थे इसमें नहीं है, मोदी राज में। तो यहाँ जो कुल मिला के समस्या दिख रही है वो रोजगार को लेकर दिख रही है। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगारी खराब है बस, रोजगार से ही तो पब्लिक खुशहाल है। मोदी बीजेपी के कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि रोजगार चले गए? सब कुछ खत्म कर दिया, क्या बचा हुआ है? कारोबार क्या हुआ है? कांग्रेस के राज में सब कुछ सही था, गरीब क्या कारोबार में फर्क पड़ गया ना। पता नहीं क्या क्या टैक्स लगा दिए, क्या क्या चीजें लगा दी, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर दी, तो इस चीज से कारोबार फरान के पड़ा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा हुआ है। मतलब अब तक यहाँ पर जो व्यापार है प्रभावित है? जी प्रभावित है। कितना डाउन चला गया है? मैडम बोने तक नहीं होती, सारा दिन ऐसे ही बैठ रहते हैं। कम से कम कांग्रेस की सरकार में काम तो था, अब तो काम ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं। सुबह से 1 रुपए का काम भी नहीं करा। तो उम्मीद अब आगे आप किससे लगाए बैठे हैं? कौन? कांग्रेस से। कांग्रेस ही करेगी, कांग्रेस ही करेगी। तो यहाँ आप यहाँ के इलाके की जो जनता है वो यहाँ रोजगार मांग रही है, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार ही है, जिसके लिए यहाँ के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, वो परेशान हैं। यहाँ जो दूर दराज से जो काम करने आते हैं कारीगर, वो परेशान दिख रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और उसी की उम्मीद लगाए ये सभी तीनों पार्टी के प्रत्याशियों से कि जो हमारे लिए काम करेगी हम उसे वोट देंगे। तो ये है सीलमपुर की जनता। सीलमपुर के किसी और इलाके में चलते हैं, वहाँ की जनता से पूछते हैं उनका क्या मत है, क्या राय है इस बार के चुनाव को लेकर। आइए चलते। सीलमपुर की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कंजस्टेड एरिया कहा जाता है, जाम की दिक्कत यहाँ बहुत होती है। तो ऐसे में मेट्रो जो हाल ही में यहाँ पर शुरुआत हुई है तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए वरदान भी साबित हुई है। सड़कों से बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है वो जरूर कम हुआ है। तो अब सीलमपुर कितनी राहत महसूस करता है, क्या सोचती है यहाँ की जनता अब आने वाले चुनाव को लेकर, वो किस पार्टी को अपने लिए ज्यादा बेहतर मानती है, ये बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? सर 90 से रह रहे हैं हम यहाँ पे। 90 से रह रहे हैं जी। तो 90 से अगर देखें तो आपने कांग्रेस की सरकार भी अपने इलाके में देखी है, बीजेपी भी देखी और दिल्ली में आप पार्टी है ही, तो ऐसे में आप किसे बेहतर मानते हैं? बेहतर तो मोदी जी को मानता हूँ मैं। अच्छा क्यों? मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं और आने वाले भविष्य भी काम अच्छा होगा जो भी होगा। अच्छा यहाँ सीलमपुर के कुछ और लोगों जो कुछ और लोगों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो गरीबों के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई वो उन तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, कौन कह रहा नहीं पहुंची है? बहुत ऐसे पीछे में लोग नहीं, गलत बोल रहे हैं वो। हमारे मोहल्ले में काम सिलेंडर है, काम अच्छा कर रहे हैं मोदी, जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा। और आने वाले वक्त काम में भी जो वक्त होगा वो भी अच्छा होगा आगे। आपको क्या लगता है सर, यहाँ की अगर हम समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या मेन नजर आती है? यहाँ की जो मेन समस्या है ना मैम, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत थी यहाँ पे पहले, जो आप ये नाला देख रहे हैं सामने, इस नाले पे बड़ी भीड़ रहती थी यहाँ पे, जो एक एक पुलिया थी यहाँ पे उससे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब से यहाँ हमारी पार्टी सरकार बनी है, एक्चुअली मैं लोकल इशू पे बात करूँगा सारी, ठीक है ना। ये नाले पे दो दो पुलिया बनवाई है इन्होंने, एक ये वॉल बनवाई है, प्रिंटेड वॉल बनवाई है इन्होंने, और छोटे मोटे जितने रोजमर्रा के काम है लोगों के, जो परेशानियाँ उन्हें होती थी वो सारे काम उन्होंने फोकस किया है। यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो भी विधायक हैं, मतलब और सरकारों में इस यहाँ इस रोड का तो विकास कभी नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में ये विकास हुआ है। अच्छा। मैं रूरल समस्या पर बात करना चाहूँगा। हाँ। जो मैंने देखा है यहाँ पे, चलो ये चीज देश के लिए है वो तो एक अलग मैटर है। बाकी तो लोकसभा चुनाव तो देश की सरकार तय करता है, तो देश के लिए आप क्या सोचते हैं, कौन बेहतर है? देश के लिए बेहतर है कि अब मोदी जी आ जाए या राहुल जी आ जाए, लेकिन काम बेहतर होना चाहिए। जो अपने वादे करें पूरे, जो वादे तो सब कर रहे हैं, वादे तो सब कर रहे हैं, इस वक्त कौन बेहतर दिख रहा है? इस टाइम तो मुझे कोई भी बेहतर नहीं दिख रहा, क्योंकि वादे सब करके चले जाते हैं, पूरे कोई नहीं करता। हाँ, मोदी जी ने बहुत सारे वादे करे थे, पूरे नहीं किए। राहुल जी ने, कांग्रेस तो वादे करते हैं, नोटा पे बटन दबाने वाले हैं क्या?
नहीं, नोटा पे बटन नहीं दबाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या दिख रहे हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या। अच्छा, तीनों तीन नंबर पे अगर हम करें तो पहले नंबर किसको देंगे? मैं कांग्रेस को दूंगा पहला नंबर। अच्छा, दूसरा? दूसरा आम आदमी पार्टी को। और तीसरा? तीसरा मोदी जी को। अच्छा, ये जो यहाँ पर मोदी जी के चेहरे के नाम पर वोट होगा या आपके सांसद जो प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है उनके नाम पर? मोदी जी के चेहरे पे होगा जी। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे होगा। और मनोज तिवारी? नहीं, तिवारी सेकंड नंबर पाएंगे, फर्स्ट में मोदी जी रहेंगे। क्या लगता है आपसे, मैं जानना चाहूंगी, यहाँ शीला दीक्षित भी मैदान में है, मनोज तिवारी है, दिलीप पांडे है, मतलब टफ फाइट एकदम। मैम ऐसा है, दिलीप पांडे जी का भी अच्छा योगदान रहा है यहाँ पे, काफी अच्छी उनकी कैंपेनिंग रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा काम भी किया है आम आदमी पार्टी ने, मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, अस्पतालों में जाके देखिए आप काफ़ी अच्छा काम किया है, स्कूलों में देखिए आप बहुत अच्छा काम किया है। तो मेरा मानना तो यह आम आदमी पार्टी को आना चाहिए दिल्ली में, तो कम से कम मतलब दिल्ली में। शीला भी तीन कार्यकाल 15 साल रही हैं, उनसे कुछ उम्मीद नहीं है? शीला जी भी काम सही करती हैं इस एरिया में, जो आप जो शीला ही खड़ी हुई हैं इस बार, तो यहाँ से तो शीला बेहतर है। आपको क्या लगता है, टफ फाइट है इस बार? हाँ, टफ फाइट तो है इस बार, मोदी जी के वादे हैं बहुत सारे और शायद उन्होंने पूरे नहीं किए, तो युवाओं में गुस्सा भी है उसको लेकर के, लेकिन काफी सारे लोग हैं जो मोदी जी को चाहते हैं, काफी सारे लोग हैं जो मोदी। शीला दीक्षित का क्या लग रहा है इस बार, क्या उनको देखते हुए वाकई मनोज तिवारी के लिए टफ फाइट क्रिएट की? हाँ, मनोज तिवारी के लिए तो टफ फाइट है, कि मनोज तिवारी निकाल पाएंगे, हो सकता है सीट निकाल, लेकिन कह नहीं सकते कि साफ साफ क्या होने वाला है। आप मोदी जी आएगा, कब मोदी जी आएंगे जी? और आपके इलाके में कौन आएगा? तिवारी जी आएंगे हमारे इलाके में, तो और मोदी जी कुछ हम नहीं, उनके काम आएंगे, कांग्रेस से काम पहले से ही नहीं करती, ठीक है, कुछ काम उन्होंने हद तक सही करे हैं, पर काम जो करे उन्होंने सही नहीं करे हैं, और मोदी जी ने जो काम करे अच्छे करे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी आएंगे, उन्होंने काम अच्छा कर रखा है। बीइंग अ यूथ, युवा के तौर पर आपको क्या लगता है कि आप लोगों के लिए क्या बड़ी समस्याएं हैं? हमारे लिए तो बस कॉलेज वगैरह में पढ़ाई वगैरह अच्छी कर रखी है, नौकरी वगैरह अच्छी करी है मोदी जी ने, तो यही सब है। जो नोटबंदी बीच में हुई, जीएसटी वगैरह का, इसके बाद व्यापार बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत लोग बेरोजगार हुए हैं, व्यापार बंद हुए हैं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब काम हुए हैं, और नोटबंदी में जो पैसे वाले हैं, जिन पर ज़्यादा पैसा था, कांग्रेस के टाइम पर रोजगार नहीं था? सब कांग्रेस के टाइम पर कम थे रोजगार, आज के टाइम में थोड़ा ज़्यादा है, उतना नहीं है ज़्यादा है, बाकी देश की सेना को भी मजबूत किया है मोदी जी ने। ओके, चलिए, आप भी अपने कुछ राय रखते होंगे चुनाव को लेकर। देखिए, ऐसा है कि वैसे अगर आम आदमी की बात करी जाए तो आम आदमी जो है इस एरिया में, और स्कूल और हॉस्पिटल, ये तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वैसे और इम्प्रूवमेंट नहीं है आम आदमी जब से आई है, बस स्कूल और कॉलेज इनमें फायदा है, बाकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये तो मेन है सबसे। बिल्कुल बिल्कुल, और मोदी जी को देखा जाए तो मोदी जी जो है कि देश के लिए सोचते हैं। और कांग्रेस? कांग्रेस भ्रष्टाचार बहुत है। अच्छा, यस। तो फिर वोट कहाँ जा रहा है आपका? देखिए, हम तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन बेहतर किसे मानते हैं ये बता दीजिए। बेहतर वही है जो देश के लिए कुछ करे। कौन? मोदी। यस, मोदी के आसपास कोई है ही नहीं, मतलब उसके लेवल का बंदा ही नहीं। ऐसा है कि अगर कांग्रेस में भी हो तो कम से कम जो खड़ा हो, कम से कम बोलने वाला बंदा तो कोई है ही नहीं। जो राहुल जी हैं वो उनके जो बोलते भी हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या गलत सही कुछ भी, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने अभी 2 दिन पहले बोला था कि अगर मोदी जी को वोट दोगे तो चाय और पकौड़े बेचोगे, बताइए। तो इसका मतलब ये है कि चाय पकौड़े की आप बेइज्जती कर रहे हैं। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम कर रहे हो आप, छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कमा रहा है बंदा, ठीक है, तो ये गलत है। पढ़ने लिखने वाला अगर पढ़े लिखेगा तो वो नौकरी अपने आप पाएगा, कोई भी सरकार आए, इससे ये कोई मैटर नहीं है। मैडम जी, ठीक है, जो इनकी रहा है। आप यहाँ काम करते हैं, क्या सोचते हैं, बाकी मौजूदा सरकार से आप खुश हैं या कांग्रेस में ज्यादा खुश थे, या आप पार्टी विकास? नहीं, हमारे तो हिसाब से कांग्रेस के उसमें था, अब खाओ और खाने दो, उसमें रोजगार भी तगड़ा ही था, इसमें क्या है। मोदी अपना अपना बोलना चाहता हूँ। देखिए, अगर चाय पकौड़े हमने बेचने हैं युवाओं को, तो ना तो राहुल जी की जरूरत है, ना मोदी जी की जरूरत है, चाय पकौड़े तो हम बेच ही लेंगे। ये देश चाय पकौड़े ही बेच रहा है आज तक, चाइना हमसे आगे निकल गया। जब हम एक ड्रिल मशीन, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं काम करने के, वो 2500-3000 के, 5000-5000 के इंडिया में मिलते थे,
चाइना से आज वो 800 रुपए की चीज मिल रही है, तो चाइना वाले तो कितने आगे निकल गए। हम चाय पकौड़े ही बेचते रहेंगे, हमारे तो अपने तो पकौड़े ही बेचने हैं, तो हमें पकौड़े ही बेचने, तो मोदी जी क्या जरूरत है हमें, मोदी जी सर्जिकल। यानी कांग्रेस सही कह रही है, यानी कांग्रेस ठीक कह रही है, ब्लेम लगा रही है भाई। कांग्रेस के जमाने में भी पकौड़े बेचते थे, मोदी जी के जमाने में पकौड़े बेचते थे। तो विकास कौन करेगा, विकास कौन करेगा, विकास कोई नहीं करेगा, ये सब खा जाएंगे देश को। देश को दीमक लगा दिए इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया। हालांकि केजरीवाल जी आए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत सारे बातें कही हैं, और लेकिन भ्रष्टाचार के चक्कर में तो उन्हीं के कई विधायक जो हैं, कई कोई जेल चला गया, किसने चले गए, वो जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाना चाहिए, चाहे केजरीवाल ही क्यों ना हो, चाहे मोदी जी क्यों ना हो। अगर राफेल में मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया तो मोदी जी को जेल में जाना चाहिए, केजरीवाल जी भ्रष्टाचार उन्हें जाना चाहिए, और अगर राहुल गांधी ने अगस्टा वेस्टलैंड में घोटाला किया उन्हें भी जेल में जाना चाहिए। सरकार लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, लोगों को मतलब है मजबूत सरकार से और अपना युवाओं के लिए रोजगार से। तो बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर की है कि इन्हें विकास चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए। केंद्र में कोई भी सरकार हो, दिल्ली में कोई भी सरकार हो, उन्हें इससे मतलब नहीं है। आम जनता का जहाँ विकास होगा वो सरकार आनी चाहिए, ना कि ऐसी सरकार जो विकास के नाम पर सिर्फ वादे करती है और करती कुछ नहीं। तो ये यहाँ की जनता है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और किस सरकार को वो चुनने वाली है। चलो सीलमपुर के ही जाफराबाद में हम इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि सर्वोदय विद्यालय के बाहर खड़ी हैं, कुछ अपने बच्चे के एडमिशन के लिए यहाँ खड़ी हैं, तो कुछ यहाँ बच्चों को ले जाने के लिए। तो आइए बात करते हैं उन महिलाओं का क्या रुख है इस बार के चुनाव को लेकर, बात करते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। मैम सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या क्या दिक्कतें आपको इस वक्त आ रही हैं आपके इलाके की, अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो? एक तो हमें हमारे बच्चे का एडमिशन होगा तो उसके हमें पैसे आने चाहिए, बच्चों का फॉर्म में हमें पैसे आने चाहिए जरूरी। एडमिशन क्यों नहीं हो रहा? एडमिशन तो हो गया लेकिन उसकी किताब में हमारा राशन कार्ड नहीं बन पाया, तो कोई चीज़ नहीं बन पा रही उसके बगैर। अच्छा। बच्चों को एडमिशन करा दिया मैंने, स्लिप ऐसी लगा दी, मतलब ऐसी, मतलब उसमें, लेकिन वो राशन कार्ड मांग रहे हैं। राशन कार्ड मांग रहा, तो राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा? पता नहीं राशन कार्ड किस लिए नहीं बन पा रहा, हमें क्या मालूम। अप्लाई किया हुआ है आपने? हमने सब चीज़ कर ली, उसके चीज़ में हमें बनता नहीं। मगर कितना टाइम हो गया? अभी बनवाया था, ये तो होगा एक महीना, एक महीने पहले अप्लाई किया था। आप बताइए क्या समस्या है? मेन तो एक साल हो गया जमा हुए हुए राशन कार्ड जी। अच्छा। एक साल में दोबारा भी अप्लाई कर दिया है कि दोबारा करो बन जाएगा, लेकिन दोबारा में भी अभी मुझे एक महीना हो गया करे हुए, अभी भी नहीं है। अच्छा, क्या राशन कार्ड नहीं बन रहा तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है? ये दिक्कत आ रही है कि हमें सिलेंडर नहीं मिला, छोटा सिलेंडर चला रही हूँ बताओ, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, काम वाम है नहीं ऐसा, तो बताओ मैम, नहीं है मेरी इतनी वो कि मैं बड़ा सिलेंडर ले लूँ अपने पास से। तो गरीबों के लिए तो है ही, अब जो सिलेंडर नया उज्ज्वला योजना जो सरकार ने चालू की हुई है, तो वो जब राशन कार्ड मांगते, राशन कार्ड है नहीं तो सिलेंडर कहाँ से लाएं बताओ। आपको क्या लगता है मैम? दिक्कत ये है कि हम फार्म भरते हैं पापा, जैसे नाम चढ़वाना होता है तो नाम नहीं चढ़ रहा, एक साल से दो साल का हो गया मेरा राशन कार्ड में, राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ पाते जल्दी से। तो ये तो ये हालात अभी ऐसे हुए हैं या इससे पहले और भी? एक साल से हमें अभी आए हैं हम गाँव दिल्ली में, दिल्ली से हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। नहीं पहले भी ऐसे होता था कि पहले भी हो रहा है, अब पहले इतना नहीं था लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। राशन कार्ड का हमने दो साल से अप्लाई कर रखा है। पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी रही है, उस टाइम भी आप इसी तरह की दिक्कतें देखते थे? नहीं दिक्कतें तो आई हैं लेकिन राशन कार्ड में नहीं आई हैं, ये पहली बार हो रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं जी। आप दो साल से अप्लाई कर रखा है, बोलते हैं इलेक्शन के बाद होगा कुछ होगा, और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो क्या लग रहा है इस बार आप चुनाव में किसे वोट देने वाली हैं, किस क्या लगता है कौन आप लोगों के लिए काम अच्छा करेगा? हम तो उसको देंगे वोट, और क्या करेंगे बताओ। मेरी मैम एक लड़की सुनती बोलती भी नहीं है आज तक, उसके लिए कुछ नहीं है, पढ़ना जाती है बस। जो भी हमारा अच्छा काम करेगा ना हम उसको वोट देंगे, कोई भी नहीं रुकेंगे हम। क्या लग रहा है इस बार कौन आपके लिए काम करेगा, किससे उम्मीद है? हमें कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस अगर आ गई तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा, गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा। हमें इस टाइम बहुत ज्यादा नुकसान है, सरकारी कामों में भी बहुत रुकावटें आके हमारे बीच में आती है। हम औरतें गरीब है, देखो भागा दौड़ी करते हैं, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे काम पहले आसानी से हो जाया करते थे पर अब नहीं होते हैं, कभी बहुत दूर भेजते हैं, कभी उधर जाओ उधर टालते हैं। काम अगर सरकारी लोग चाहे तो मिनट भर में कर दे, नहीं चाहे तो नहीं होता है काम। ये पहले आसानी से हम के औरतें हैं, आदमी हो तो भागा दौड़ी कर लेते हैं, औरतें पर काम नहीं हो रहे हैं, सारे काम चौपट हो गए हैं। चौपट क्यों हो गए पता नहीं, काम ही नहीं चल रहे हैं,
जरा जरा से काम पे जीएसटी लगा दी गई है, कारखानों में लोग हो रहे हैं, सीलें लग रही हैं, तो काम काज जैसे बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे तो छोटे तो अपना बैठ जाएंगे काम। क्या लग रहा है अब आपको, किस पार्टी से उम्मीद है? कांग्रेस से ही उम्मीद है, कांग्रेस आ जाए जो हमारा काम अच्छा करे हम इंशाल्लाह उनको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है, चाहे यहाँ पर केंद्र सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं गरीबों के लिए लागू जरूर कर रही है, लेकिन ये इस योजना का लाभ वो तभी उठा सकते हैं जब उनके पास राशन कार्ड होगा और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, जो ये नहीं उठा पा रहे हैं। तो फिलहाल ये दिक्कतें यहाँ पर रहने वाली महिलाओं को आ रही है कि उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, बिजली पानी इन सबसे तो वो दुरुस्त हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनकी जो मूलभूत परेशानी है वो है राशन कार्ड को लेकर, जिसके लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, कोई एक साल से इंतजार कर रहा है और किसी को उससे भी ज्यादा वक्त हो चुका है। तो ये थी जाफराबाद की महिलाएं जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, इस चुनाव को लेकर वो क्या राय रखती हैं और किस पार्टी से उन्हें उम्मीद है, ये तमाम बातें उन्होंने हमसे शेयर की। तो फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी और इलाके में, वहाँ की जनता के साथ जानेंगे क्या सोचती है वहाँ की जनता अपने आने वाली चुनाव को लेकर, आने वाली सरकार को लेकर। नमस्कार।